Question number 4, it's June 2003, paper 6. A box contains 10 pens, of which 3 are new. A random sample of 2 pens is taken. Show that the probability of getting exactly 1. Now that is a keyword here. Exactly 1 new pen in the sample is 7 over 15. Alright. So, I have 3 pens which are new and total I have 10 pens. Okay. I have to tell you that the first one, एक पेन दो में से बिल्कुल सही न्यू वाला होगा और एक दूसरा ओल्ड हो सकता है. तो मेरे पास टोटल 3 न्यू हैं. तो मैंने कहा न्यू में से मेरे पास कोई एक आ गया और अब बचे कितने. अगर 3 न्यू हैं इसका मतलब है 7 जो हैं पुराने, ठीक है, और 7 में से मेरे पास एक कोई भी आ सकता है क्योंकि मैं टोटल 2 पेन का सैंपल ले रहा हूँ डिवाइडेड बाय टोटल मेरे पास 10 पेन है और उन 10 पेन में से मैं 2 पिक कर रहा हूँ. तो सिंप्लीफाई किया इसका आंसर मेरे पास आ गया 7/15 जो कि आपको शो करना है, ठीक है. 7/15 पहले पार्ट का आंसर आ गया. आफ्टर दैट कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द नंबर ऑफ न्यू पेन्स इन द सैंपल. तो ये मेरे पास टेबल आ गया. अच्छा जी, ऑप्शन क्या है मेरे पास, एक्स जिसको हम पेन कह रहे हैं एंड देन पी एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स. तो मेरे पास एक भी सही पेन ना आए, मेरे पास एक सही पेन आए और मेरे पास दोनों सही पेन आ जाएँ, ठीक है. अगर एक सही पेन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू 7/15. ये हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में. अच्छा जी, अगर एक भी सही पेन ना हो, मतलब दो पेन निकाले और दोनों ही ख़राब हो जाएं, तो अगर एक पेन निकालूं जो कि सही काम ना कर रहा हो, बेसिकली मेरे पास टोटल जो है वो 10 पेन हैं, ठीक है ना, उन 10 में से जो है वो 3 जो है वो न्यू हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने पेन है मेरे पास वो 7 है. तो अगर मैं पुराने पेन की पॉसिबिलिटी निकालूं तो पहला आएगा 7/10 और दूसरा आ जाएगा 6/9. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 1s are 2, 2 5s are 10, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 7/15. तो अगर मेरे पास दोनों ही पेन पुराने होंगे तो ये आ जाएगा 7/15. अब मैं देखता हूँ अगर दोनों ही पेन मेरे नए हों, ठीक है, न्यू पेन है, तो अगर पहला पेन न्यू होगा दैट विल बी 3/10 और अगर दूसरा पेन भी न्यू होगा दैट विल बी 2/9. सिंप्लीफाई किया, 3 1s are 3, 3 3s, 2 1s are 2, 2 5, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल्स टू 1/15. तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/15. तो यह आपका कंस्ट्रक्ट वाला काम पूरा हो गया. नाउ कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ न्यू पेन्स इन द सैंपल. तो अब आपको निकालना है ई ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है. उसके लिए पहला काम क्या होता है कि आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स इंटू पी एक्स, ठीक है. तो 0 × 7/15 ज़ीरो, 1 × 7/15 इज 7/15 एंड इट विल बी 2/15. ऑलराइट, अब मैं इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लूँगा. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 7/15 प्लस 2/15 विच इज़ इक्वल्स टू 9/15 एंड द आंसर इज 3/5. ये आपका आंसर है.